गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज हम मॉर्निंग में फिर से चले गाड़ी लोड लेके साइड पे। आज तो हम आपको गेम का नहीं कुछ दिखा पाए दोस्तों, लेकिन अभी हम अभी रास्ते में हैं। देख सकते हैं हम साइड के लिए रवाना हो गए। आज हमारा बीसी का माल नहीं है, आज हमारा डीबीएम है, फर्स्ट क्वालिटी। इसके लिए हम साइड चेंज कर दिया है, दूसरे साइड का वीडियो बनाएंगे। अब हम हिम्मतनगर आ चुके हैं, फर्स्ट चौराहा है हिम्मतनगर का। दोस्तों देखिए सामने, देखिए फ्लाई ओवर काम चालू है बड़ा जोर शोर से। देखिए मशीनरी भी यहीं खड़ी है। देखिए दोस्तों ये है सर्विस रोड, सर्विस रोड से हम लोग निकल रहे हैं आगे, क्योंकि फ्लाई ओवर साइड में चालू है, इसके कारण से सर्विस रोड से निकलना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों अभी हम हिम्मतनगर साइड पे जा रहे हैं, आज वहाँ हमारा डीबीएम है। और ये देख रहे हैं कि ये रास्ता जो है दोस्तों थोड़ा सा खराब है, इसके कारण से वीडियो बनाने में नहीं बन रहा है सही ढंग से। यदि रास्ता सही मिला तो वीडियो भी आपको सही मिलेगा दोस्तों। ये देखिए अब हम लोग हिम्मतनगर क्रॉस कर रहे हैं। ये हिम्मतनगर है, ये हिम्मतनगर का नज़ारा है। देखिए थोड़ा अगल बगल का भी थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों, ट्रैफिक बहुत कम है। सुबह मॉर्निंग में ट्रैफिक कम होता है, लेकिन 10 बजे के बाद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है इस हाईवे पे। ये हिम्मतनगर की ओर है, ये देखिए थोड़ा सा GIDC टाइप के हैं। और देखिए ये खेती है, देखिए गेहूँ का खेती ज़बरदस्त, गेहूँ यहाँ बहुत ज़ोर शोर से होता है दोस्तों। और यहाँ सब्जी भी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए नया बिल्डिंग बन रहा है, मार्केट बन रहा है, बिल्डिंग क्या ये मार्केट बन रहा है। देखिए कैंटीनर KLPL तो आगे देखिए ओवरब्रिज आ रहा है, फ्लाई ओवर। अब हिम्मतनगर घुसने वाले हैं। ये हिम्मतनगर का ये आगे का नज़ारा है, थोड़ा सा रास्ता खराब के कारण से वीडियो सही नहीं बन रहा है दोस्तों, माफ कीजिएगा। हिम्मतनगर का मेन चौराहा है दोस्तों, यहाँ 8 बजे शाम को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। और ज़्यादा यहाँ दोस्तों बड़ी गाड़ी के ट्रैफिक लगता है, इसके कारण से चौराहा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, डायवर्सन दिया हुआ है, इसके वजह से भी ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। ये हिम्मतनगर का मार्केट है दोस्तों, अभी बंद है, सुबह के 8 बज रहे हैं दोस्तों, अभी ये मार्केट बंद है। यहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है 11 बजे के बाद में दोस्तों, यहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है, गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाता है। ये तो साइड का मार्केट है, अभी अंदर का मार्केट बाकी है, और अंदर तो हमको जाने में नहीं बनेगा, इसके कारण से हम बाहर बाहर का मार्केट दिखा रहे हैं दोस्तों। हिम्मतनगर का ये GIDC है, ये GIDC चारों तरफ देखिए फैक्ट्रियाँ हैं दोस्तों। ये GIDC है हिम्मतनगर की, और आगे देखिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और क्योंकि फ्लाई ओवर आगे सामने आ रही है, इसके कारण से ट्रैफिक ज़्यादा है दोस्तों। अगले वीडियो में आपको हम स्वामीनारायण का मंदिर दिखाए थे अंदर का, और आज हमको मौका नहीं मिल रहा है, इसके लिए आज फिर हम बाहर से दिखा रहे हैं। ये हिम्मतनगर स्वामीनारायण मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्वामीनारायण का मंदिर है। अंदर घूमने का बहुत अच्छा है दोस्तों, आके आप घूम सकते हैं, बहुत अच्छा खासा मंदिर है, माने जाने मंदिर है दोस्तों। और ये देखिए सामने का नज़ारा, ये हिम्मतनगर का है, हिम्मतनगर का अभी मेन सिटी बाकी है दोस्तों। ये हिम्मतनगर में मेन सिटी अभी बाकी है, आगे दिखाएंगे मेन सिटी का। अब हम हिम्मतनगर आ चुके हैं, फर्स्ट चौराहा है हिम्मतनगर का। दोस्तों देखिए सामने, देखिए फ्लाई ओवर काम चालू है बड़ा जोर शोर से। देखिए मशीनरी भी यहीं खड़ी है। देखिए दोस्तों ये है सर्विस रोड, सर्विस रोड से हम लोग निकल रहे हैं आगे, क्योंकि फ्लाई ओवर साइड में चालू है, इसके कारण से सर्विस रोड से निकलना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों इस काम फाइनल हो चुका है, कितना रोड मस्त हम लोग बनाए हैं, ये रोड का काम चालू था, देखिए फाइनल हो चुका है। रोड अच्छा बना कि नहीं बना दोस्तों आप बताइएगा।
देखिए ये लोग नियम के पालन करते हुए भी मुंडी घुसा देते हैं और बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। बिना लापरवाही के एक्सीडेंट नहीं होता है दोस्तों। इस गाड़ी को हम लाइट देते हुए भी नियम का पालन नहीं किया, फिर भी गाड़ी को रोड पर रॉन्ग साइड ले आया और बोलते हो कि एक्सीडेंट हो जाता है। बिना लापरवाही के एक्सीडेंट कभी नहीं हो सकता, हम करें या वो करें। रोड फाइनल हो चुका है दोस्तों। इस रोड को हम लोग आज से 20 दिन पहले इसको क्लियर कर दिए। देखिए कैसा रोड बना है, देखो दोस्तों ये देखिए कैसा रोड कंप्लीट बना है कि नहीं बना है दोस्तों। सब कुछ कंप्लीट हो गया है कि हिम्मत नगर से चिलोरा तक फाइनल हो चुका है दोस्तों। थोड़ा काम पीछे बाकी रह गया है, सामला जी साइड में बाकी रह गया दोस्तों। देखिए दोस्तों वही रोड है हिम्मत नगर वाली, धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ने लगी दोस्तों। ये देखिए ट्रैफिक ज़्यादा हो गया दोस्तों, इसके कारण से थोड़ा सा गाड़ी स्लो भी चलाना पड़ता है ट्रैफिक के कारण से। और स्लो चलाना थोड़ा अच्छा भी है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, स्लो चलना चाहिए के कारण से ट्रैफिक के हिसाब से चलना मांगता है, इसके कारण से धीरे चले दोस्तों। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस हाईवे पे दोस्तों। अब हिम्मत नगर हम निकल चुके हैं, हिम्मत नगर को हम छोड़ चुके हैं। अब आगे हम माजरा की साइड चलते हैं, माजरा की साइड में आपको कुछ बताएंगे। अब हम हिम्मत नगर निकल चुके हैं, ये देखिए आगे फ्लाईओवर। फिर दोस्तों आज हम ट्रैफिक के बीचों बीच काम करेंगे। यहाँ सफाई भी ज़्यादा है और गाड़ी भी ज़्यादा हो गई है, इसके कारण से देखिए ट्रैफिक के कारण से काम बहुत धीमी चलेगी, क्योंकि आगे सफाई भी है, उसके बाद में हम लोग काम करेंगे। आज बीचों बीच पराती ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं दोस्तों। ये देखिए साइड से चल रही है दोनों सर्विस रोड से, और गाड़ियां जो सर्विस रोड से निकल रही है। बाकी हम लोग अब चलते हैं चाय पीने के लिए, चाय का टाइम हो गया है दोस्तों। अब हम साइड पे पहुंच चुके हैं, देखिए हमारा टोटल मशीनरी देखिए लगे हुए हैं। अब हम साइड पे पहुंचने वाले हैं, लेवल चालू है दोस्तों। अब हमें पराती पहुंच गए, पराती सिटी है दोस्तों। आगे फ्लाईओवर है, हम लोग रेलवे क्रॉसिंग कर चुके हैं। ये पराती सिटी का नाम है तो छोटा लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए पराती का नज़ारा दोस्तों, ये फ्लाईओवर है, आगे चेक पोस्ट है दोस्तों। जितने भी गाड़ी चल रहे हैं सब लाइन से ही चल रहे हैं, फास्ट है राउंड साइड चलते हैं। यदि लोड गाड़ी है अपना तो अपना लेफ्ट साइड चलें, लेफ्ट साइड का लाइन ना तोड़ें। यदि बाइक वाले भी थोड़ा लापरवाही करते हैं कि अपना लाइन से नहीं चलते हैं वो, क्योंकि अपना लाइन जो है लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड वो पकड़ के चलते हैं, इसके कारण से थोड़ा सा एक्सीडेंट होने का चांस होता है दोस्तों। इस रोड पे खास करके ये ध्यान रखना होता है कि अपना लाइन ना छोड़ें। लाइन यदि छोड़ना हो हम पहले अपना साइड गिलास को दोनों साइड देख लें, उसके बाद ये लाइन छोड़ें। यदि थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो इसमें एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस होता है दोस्तों। इसके लिए लाइनिंग में चलें, लाइनिंग में चलेंगे कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा और नियमों को भी पालन होगा, इसके लिए लाइनिंग पकड़ के चलें दोस्तों। थोड़ा सा मैनुअली भी चल रहा है, दीवारी भी देखिए टाटा नीचे कर रहे हैं, हेडोलिक जो बोल रहे हैं हेडोलिक वो नीचे कर रहे हैं। कहाँ से हेडोलिक नीचे होता है ज़रा सा बताइए, सामने वाले भी थोड़ा फिर नई गाड़ी है, हेडोलिक का सिस्टम ज़रा बताइए कहाँ पे होता है। यही है हाँ। इसको क्या करना पड़ता है, ऊपर की नीचे नीचे और ये देखिए, और ये देखिए भाई साहब बहुत नाराज हो रहे हैं, बोल रहे हैं गाड़ी आगे ले लो, ट्रैफिक ज़्यादा है इसके लिए ज़्यादा गुस्से में है। और देखिए ठीक है भाई गाड़ी आगे ले लेते हैं, ठीक गुस्सा मत कीजिए, सबको काम करना है।
तो तिवारी जी का गाड़ी खाली हो चुका है, देखिए और थोड़ा नजदीक से दिखा दिए। हमारा ये पेवर मशीन है, देखिए यहाँ आज प्रातरी में काम चालू है, सीटी सीटी लग जाता है दोस्तों, बहुत परेशानी है आज यहाँ पे, इसके कारण से दोस्तों बहुत ढीला काम चल रहा है। आज आधे घंटे में ये गाड़ी खाली हुआ है दोस्तों, सफाई ज़्यादा था इसके कारण से थोड़ा ढीला है। तिवारी जी देखिए गाड़ी को साफ सफाई करके अब अपना गाड़ी पे जा रहे हैं, और हमारा गाड़ी देखिए ये 1777 है, हाँ, और हमारा नंबर आ गया है, और तिवारी जी बड़ा मौज में है दोस्तों। काम चालू हो चुका है, ये अपना प्रातिक सिटी का आज काम है दोस्तों, बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक के कारण से काम थोड़ा स्लो है दोस्तों। और देखिए ये अपना पेवर का, ये सामने का पेवर का नज़ारा है, और सामने ये देखिए पीछे अपना गाड़ी की लाइन लगी है। दोस्तों मुलंदर पाजी तो सुबह नाश्ते करने के लिए भूल गए थे, मजबूरी में इनको आज क्या खाना पड़ रहा है, गाठिया है क्या नाश्ता करने भूल गए, मुलंदर पाजी आज नाश्ता करने के लिए भूल गए थे, और हम अभी चाय पीने के लिए आए थे तो बोले भाई हम नाश्ता नहीं किए हैं,